एक हड्डी जिसको एक निश्चित समय में जुड़ जाना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर डीपी शर्मा है और आज हम दोस्तों बात करेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट सर्जरी और बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम के बारे में जो दोस्तों को होती है, नॉन यूनियन। नॉन यूनियन क्या होता है दोस्तों? नॉन यूनियन होता है कि एक हड्डी जिसको एक निश्चित समय में जुड़ जाना चाहिए था प्लास्टर में या ऑपरेशन करके, वो नहीं जुड़ पाई। अब किसी कारणवश नहीं जुड़ सकती है। इसके कारण क्या हो सकते हैं? या तो हड्डी बहुत दूर रह गई हो, या सर्जरी सही टेक्निक से नहीं करी गई, या फिर उसमें इन्फेक्शन हो गया। कई कारण हो सकते हैं, या फिर पेशेंट ने जल्दी वज़न ले लिया। जो भी कारण हो, पर ये पेशेंट को बहुत परेशान करती हैं और ये सर्जन के लिए भी चैलेंज होता है। तो दोस्तों, नॉन यूनियन में क्या करना चाहिए? नॉन यूनियन में आपको आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन से संपर्क करना चाहिए और उनको सारी आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे डिस्कस करनी चाहिए, सारी रिपोर्ट्स बतानी चाहिए। नॉन यूनियन के और भी जो रीजंस हैं वो ये हो सकते हैं कि अगर कोई टोबैको स्मोकर है, या फिर टोबैको कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, गुटखा, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, अल्कोहल, या किसी की इम्यूनिटी बहुत कम है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, ये सब फैक्टर्स भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं नॉन यूनियन कराने में। तो दोस्तों, अगर आपको इससे नॉन यूनियन से रिलेटेड कोई भी तकलीफ़ है, या फिर आपको इस रिलेटेड कोई ऐसा जो है इससे परेशान हैं, तो आप हमें उनकी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं और हमें बहुत खुशी होगी उनकी हेल्प करने।